नमस्कार दोस्तों, मैं कैप्टन ए के सिंह। आज मैं आपको जीपी रेटिंग कोर्स और उसके बेनिफिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो शिप ज्वाइन करने से पहले आप कोई भी प्रीसी कोर्स ज़रूर करें। प्रीसी कोर्स करने से आप कोई भी अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, और जितने सारे प्रीसी कोर्स होते हैं उनमें से सबसे अच्छा है जीपी रेटिंग कोर्स। वो जीपी रेटिंग ज्वाइन कर रहे होते हैं उस समय ये ध्यान रहे कि उनका मिनिमम मार्क 50% होना चाहिए, इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। इंग्लिश में 50% मार्क्स और एग्रीगेट 50% मार्क्स होने के बाद अगर वो जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट करते हैं और शिप ज्वाइन करते हैं तो 3 साल के बाद, 3 साल ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, 36 महीना का ऑन बोर्ड ट्रेनिंग के बाद वो सेकेंड मेट एनसीवी दे सकते हैं, सेकेंड ऑफिसर नियर कोस्टल वॉयज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये एग्ज़ाम डीजे शिपिंग कंडक्ट करती है। ये एग्ज़ाम देने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता है सेकेंड ऑफिसर नियर कोस्टल वॉयज का, और इसके बाद वो इंडियन कोस्ट पर सेकेंड ऑफिसर सेल कर सकते हैं। उसके बाद उनका करियर ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जाएगा। 12 महीने की सेलिंग के बाद वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं और चीफ ऑफिसर बन सकते हैं नियर कोस्टल वॉयज में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनसीबी बोलते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो लगातार सेलिंग करते रहें और 24 महीने सेलिंग एक्सपीरियंस के बाद वो लास्ट एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद वो कैप्टन भी बन सकते हैं कोस्टल शिप में। तो इस तरह जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हैं वो जीपी रेटिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद कैप्टन भी बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।